डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि जानते हैं, अभी हम लोग मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन चैप्टर को पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 7.9। एक्सरसाइज 7.9 में अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 18 तक के कंप्लीट किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। 19 नंबर में 0 से 2 लिमिट है और 6 + 3 डिवाइडेड बाई x² + 4, ये हम लोगों का इंटीग्रेशन है। भाई आप क्या करो, इसको दो पार्ट में ना तोड़ लो, 0 से 2 कर लो और एक का 6x / x² + 4 × dx कर लो और एक का कर लो आप 0 से 2 लिमिट और 3 / x² + 4 × dx। ठीक है, अब क्या करें आप कि यहाँ से 3 × 2 = 6 होता है, आपने यहाँ से 3 कॉमन कर लो तो 0 से 2 बनेगा, लिमिट तो वही रहेगी, यहाँ बन जाएगी 2x और x² + 4 × dx। और इस बार ना प्लस यहाँ पे 3 है, 3 को कांस्टेंट है, बाहर कर लो तो 0 से लेकर 2 हो जाएगी, ऊपर 1 बच जाएगी, x² + 4 को आप लिख दो 2² × dx। अब इसको क्या करो, इसको करने के लिए नीचे वाला को x² + 4 को मान लो आप t। ठीक है, तो x² + 4 को अगर t मानेंगे तो x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² का इंटीग्रेशन जो बनेगा वो 2x बनेगा और 4 का तो 0, dx = dt। तो आपने क्या करा, 3 तो बाहर है, ऊपर टी 2x dx के जगह पे dt रख दिया और नीचे में t रख दिया। और 1/t का तो जानते हैं आप, log t होता है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक था भाई, 0 से 2 तक। अब t के जगह पे क्या रखना आपको, x² + 4, तो 3 और log x² + 4 और 0 से 2। अब अपर लिमिट x के जगह पे रखिएगा 2 और लोअर लिमिट, और इसको कैसे कीजिएगा, ये तो प्लस में रहेगा 3 और 1/x² + a² इंटीग्रेशन, बिल्कुल याद रख लो भाई, ये ऑब्जेक्टिव में ना आते हैं, x² + a² का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan inverse x/a। ठीक है, 1/a tan inverse x/a, तो यहाँ 1/a हो जाएगा, तो 1/2 tan inverse x/a यानी कि x/2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से 2 तक। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 का तो 3 होगा, 1/2 का तो 1/2 रहेगा यानी कि 3/2, और tan inverse x, x के जगह पे 2 रख देना है तो tan inverse हो जाएगा 2/2, और माइनस x की जगह पे 0 रखेंगे तो 0/2। तो कुल मिलाकर 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1 बार में, तो प्लस हो जाएगा 3/2, tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 -0। अब इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा, जो आएगा राइट आंसर वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हम आपको आइडिया दे दिए हैं कि क्या करना है इस क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं हम लोग, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोगों का क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, तो 20 में क्वेश्चन बोला जा रहा है भाई कि 0 से 1 लिमिट है, ठीक है, x (e^x) है प्लस साइन के अंदर πx/4 है और पूरा का dx है। आप क्या करो भाई कि जब प्लस में रहता है तो इंटीग्रेशन को तो हम लोग ब्रेक डाउन कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, आप इसको ना ब्रेक कर दो, 0 से 1 x(e^x) और प्लस साइन, इंटीग्रेशन करके 0 से लेकर 1 तक लिमिट πx/4 और पूरा का dx। आप क्या करो भाई, इसको आप मान लो i1, यानी कि इंटीग्रेशन आप i1 मान लो, ठीक है, और इसको आप मान लो i2, ठीक है, इसको मान लो आप i1 और इसको मान लो i2। अब ये जो i1 है
तो सबसे पहले हम लोग आई वन और आई टू को अलग अलग पहले इंटीग्रेट कर लेंगे, और अलग अलग जो आई वन का वैल्यू आएगा आई टू का वैल्यू आएगा उसको लास्ट में क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे। तो चलिए आई वन को करते हैं। तो आई वन हम लोगों का क्या है, तो लिमिट है 0 से 1 एक्स इंटू ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स। दोस्त आपको हम इलेट रूल्स बताए हैं, बाईपार्ट रूल पढ़ाए हैं कि जब दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में रहेगा तो इसको u इंटू वी पे तोड़ेंगे। हालांकि दोस्तों u इंटू वी यानी कि इसको कहते हैं बाईपार्ट रूल। बाईपार्ट रूल करने के लिए एक रूल्स याद रखना पड़ता है इलेट। इसमें i का मतलब होता है इनवर्स, l फॉर लॉगरिदम लॉग, a फॉर अर्थमेटिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल। इसमें जो सबसे पहले मिलता है उसको यू कहते हैं। तो यहाँ लिखेगा हियर यू का वैल्यू हो गया एक्स एंड वी का वैल्यू हो गया ई के पावर एक्स। अब यू इंटू वी का इंटीग्रेशन पे तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इसका फार्मूला होगा यू को बाहर करिए मैंने एक्स का बाहर कर दिया, वी का इंटीग्रेशन तो लिमिट वही रहेगा 0 से 1 वी का इंटीग्रेशन, और प्लस बड़ा इंटीग्रेशन, ठीक है प्लस या माइनस, प्लस ही होता है ना, माइनस करते हैं, माइनस करते हैं यू यू माइनस, और माइनस या प्लस देख लीजिएगा फार्मूला क्या होता है। फिर बड़ा इंटीग्रेशन देते हैं 0 से 1 और फिर अंदर में यू का डिफरेंशिएशन, तो यू का डिफरेंशिएशन यानी कि एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और वी का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक की लिमिट रहेगा और पूरा का फिर से dx, ठीक है। तो आपने क्या करना है इसको ना पूरे तरीके से इसको फार्मूला पे तोड़कर और जो आएगा डिफरेंशिएशन उसके जगह पर आपको लिमिट यूज करना है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे लिमिट हम लोग यूज नहीं करेंगे, जो आंसर आएगा ना उसके पूरा के पावर, पूरा जो आएगा ना वहाँ पे 0 से 1 लिमिट लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या काम करना है, इसको अलग तरीके से u इंटू वी पर इसको तोड़ लेना है और जो आएगा उसका वैल्यू। और i2 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो i2 हमारा क्या है साइन पाई एक्स बाई फोर, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है तो माइनस कोस होता है, माइनस कोस पाई एक्स बाई फोर हो जाएगा और x का कोफिशियंट पाई बाई फोर है तो पाई बाई फोर से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस फोर बाई पाई, नीचे वाला 4 ऊपर चला जाएगा, माइनस 4 बाई पाई कोस पाई एक्स बाई 4। अब इस x के जगह पे 0 से 1 रख देंगे, लिमिट रख देंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, u इंटू वी का इंटीग्रेशन कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे हम 0 से 1 जहाँ जहाँ इंटीग्रेशन रख दिए हैं ये थोड़ा सा मिस्टेक है, u इंटू वी का जो रूल्स होता है उस पर तोड़ने के बाद जो आएगा पूरे तरीके से 0 से 1 लिमिट रखना है, ठीक है। पूरा कर लीजिएगा, जो आएगा तब उसके ऊपर लिमिट लगाएंगे हम लोग। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे कि 21 क्वेश्चन नंबर को कैसे करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, बुक में क्वेश्चंस आप देख पा रहे होंगे। तो 1 से लेकर √3 है, 1 से लेकर √3 1/1 x²dx, ठीक है। ये हम लोगों का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसका इंटीग्रेशन करें तो 1/1 x² का इंटीग्रेशन याद रखना होगा आपको कि tan इनवर्स x होता है, क्या होता है tan इनवर्स x, ठीक है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से √3 तक, ठीक है। और x की जगह पे कितना रखना होता है भाई, तो x की जगह पर अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस टेन इनवर्स 1, ठीक है। अब टेन इनवर्स √3 का वैल्यू कितना होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 3 और माइनस पाई बाई 4, यानी कि जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़े होंगे तो इसका वैल्यू पाई बाई 3, इसका वैल्यू पाई बाई 4, और दोनों को कैलकुलेट कर दीजिए एलसीएम लेकर, जितना आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि ये जो हम लोग चैप्टर चल रहा था 7.9 एक्सरसाइज, ये पूरी तरीके से हम लोगों का ख़त्म हो गया 7.9। उसके बाद हम पढ़ेंगे अगले क्लास में 7.10 का थ्योरी और उसके बाद क्वेश्चंस को करने के लिए कि आखिर 7.10 में किसी क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।